इस खबर के प्रायोजक हैं एस्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स। पूर्वांचल के प्रसिद्ध ज्वेलर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में पहली बार लेकर आ रहे हैं विशेष गहनों की सौगात। प्रदर्शनी एवं बिक्री दिनांक 6, 7 और 8 मार्च 2021, समय सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक। पता, होटल ग्रैंड एसआर, राहुल नगर, मंडिया, आजमगढ़, महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल। एडमिशन जारी। पता याद रखें, तिवारीपुर सिधारी आजमगढ़। सबा कॉन्वेंट स्कूल मुबारकपुर। एडमिशन जारी। पता याद रखें, निकट अल जामेतुल अशरफिया यूनिवर्सिटी मुबारकपुर आजमगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर अफरोज अहमद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सोमवार को पुलिस महकमा जिले को महिला पुलिस चौकियों की सौगात दे रहा है, जिसके क्रम में आज अतरौलिया में रिपोर्टिंग महिला पुलिस चौकी की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अमृता राय वार्डन कस्तूरबा विद्यालय ने फीता काट कर किया। बता दें कि निकट भविष्य में अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी रिपोर्टिंग महिला चौकियां स्थापित की जाएंगी। महिला रिपोर्टिंग चौकी में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इसमें FIR दर्ज कराने के साथ ही इन्वेस्टिगेशन आदि की भी सुविधाएं होंगी। अभी इसे थाने के एक हिस्से में संचालित किया जाएगा। यहां पर महिला चौकी इंचार्ज और आरक्षियों की भी तैनाती की जाएगी। अतरौलिया महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी पर अभी कांस्टेबल रीना द्विवेदी को प्रभार दिया गया है। इन पुलिस चौकियों की स्थापना सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार की नारी सशक्तिकरण को शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति 2 के तहत की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे ने बताया कि इन चौकियों के खुलने से महिलाओं को काफी सहूलियत होगी। वो चौकी पर जाकर निसंकोच महिला पुलिस कर्मियों के समक्ष अपनी समस्याएं रख सकेंगी, जिसका प्रमुखता से निस्तारण किया जाएगा। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे, सब इंस्पेक्टर माखन सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, गोपाल जी, रविन्द्र प्रताप यादव तथा महिला कांस्टेबल अंकिता भट्ट, दीपिका तिवारी, रूबी तिवारी, नेहा अवस्थी, सरिता यादव, खुशबू सिंह, अंजलि, प्रतिभा चौहान सहित ग्रामीण महिलाएं, पुलिसकर्मी व स्थानीय लोग मौजूद रहे। देखिए, इस चौकी को खुलने पे तो बहुत सारे फायदे हैं, जो कि थाने पे आम महिलाएं आने में थोड़ा सा झिझक महसूस करती थी। ताकि महिला चौकी हेल्प डेस्क खुलने की वजह से आज के दिन में हमारी जो भी महिलाएं हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेझिझक वो आके अपनी रिपोर्टिंग कर सकती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के शेयर कर सकती हैं, और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो सशक्त पुलिस के रूप में जो यहाँ पे काम कर रही हैं वो जा करके उनका हेल्प भी कर सकती हैं। आप एक कस्तूरबा की वार्डन भी है, आपने बच्चों लोगों को इसके बारे में क्या शिक्षा, मतलब क्या निर्देश देंगे? हम बच्चों को सर्वप्रथम तो अपने बच्चों को यहाँ के हेल्पलाइन के बारे में, वुमेन्स पावर लाइन के बारे में हम विशेष रूप से उनको ये जानकारी देते हैं कि अभी वो कहीं भी हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम में हो, अपनी वो प्रॉब्लम्स को उस नंबर पे, उस टोल फ्री नंबर पे वो कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। अगर वो किसी अन्य पर्सन से बेझिझक वो नहीं बता सकते हैं तो जो 1090 हेल्पलाइन है, पावर वुमेन लाइन जो खुला हुआ है, उस पर वो बेझिझक को बता सकती हैं और वहाँ से जो भी कार्रवाई होनी होंगी वो होती है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।